जितना भव्य राम मंदिर उतना ही अद्भुत ताले चाबी। आने वाले जनवरी में श्री राम मंदिर का लोकार्पण होने वाला है। राम लल्ला के मंदिर को लेकर देश भर में उत्साह जारी है। लोग मंदिर निर्माण के लिए चंदा समेत और भी बहुत चीजें दान कर रहे हैं। इसी बीच अलीगढ़ के एक दंपत्ति ने रामलला के मंदिर के लिए एक अनोखा और भव्य ताला बनाया है। इस ताले की चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर में हो रही है। इस ताले को दंपत्ति ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए बनाया है, जिसे वे दिसंबर में भेंट करेंगे। दंपत्ति ने इसे भेंट करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पत्र भेजा है। जाहिर सी बात है कि जब ताला 400 किलो का है तो उसकी चाबी भी बड़ी होगी। ताला चाबी का निर्माण फिलहाल पूरा नहीं हुआ है और इसकी स्टील बॉडी बननी है, जिसके खर्च के लिए दंपत्ति ने अपना जमीन बेचने का फैसला लिया है। ताले की अगर खासियत के बारे में बात करें तो लोहे के इस ताले की लंबाई 10 फीट है, चौड़ाई 6 फीट, मोटाई 6 इंच और 30 किलो वजन की 4 फीट लंबी चाबी है। इस अनोखे और बड़े ताले के लिए दो चाबी बनाई गई हैं। ताला का कड़ा 4 फीट का है, जिसके लिए दंपति ने पिछले साल अलीगढ़ में प्रदर्शनी भी रखी थी। ताला बनाने वाले दंपति चाहते हैं कि इस ताले को अयोध्या में प्रतीकात्मक रखा जाए और ताले में जंग ना लगे, इसके लिए स्टील की शीट यानी स्टील की दरवाजे की सफाई वक्त वक्त पर कराई जाए। ताले को लेकर सांसद सतीश गौतम का कहना है कि अलीगढ़ की पहचान है। यदि कोई व्यक्ति भगवान रामलला के मंदिर के लिए ताला भेंट कर रहा है तो ये गौरव की बात है, साथ ही भेंट के लिए सहयोग किया जाएगा। इस ताले को भेंट करने वाले दंपति का नाम सत्य प्रकाश शर्मा और रुक्मणी शर्मा है। जब उनसे ताले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2 साल से मंदिर के लोकार्पण का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ये ताला ये सोचकर बनाया है कि रामलला के मंदिर की हर एक चीज अद्भुत होनी चाहिए, इसीलिए 2021 में इस 400 किलो के ताले को बनाना शुरू कर दिया, जिसका काम 2022 तक लगभग पूरा हो गया था।